अस्सलाम वालेकुम, आइए देखते हैं बैंगन की एक लेबनीज़ डिश बाबा गनूश कैसे बनाई जाती है। इसमें सबसे पहले हमें बैंगन लेने हैं जिनको डायरेक्ट आग पर सेक कर पकाना है। अगर आप अवन में रख के कर सकते हैं, नहीं तो आप चूल्हे के ऊपर इस तरीके से डायरेक्ट आग के ऊपर आपने इनको सेक कर पकाना है। इस तरह कि इनका छिलका मुकम्मल तौर पर बर्न हो जाए और वो अंदर से इस कंडीशन में आ जाएँ कि बहुत नरम हो और आप फोक से उनको दबाएँ तो वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हों। उनको आप अलग करके रख लीजिए और उसके बाद ग्रेवी की तैयारी करें, जिसके अंदर प्याज, लहसुन और टमाटर डालेंगे। प्याज बिल्कुल एक डेढ़ प्याज चाहिए होगा, लहसुन जितना ज़्यादा होगा और जितना बारीक होगा उतना अच्छा है बैंगन की डिश में। सबसे पहले एक पैन में ऑयल लें, गर्म होने पर उसके अंदर लहसुन डालिए। लहसुन में जैसे ही खुशबू आने लगेगी आप उसमें प्याज भी ऐड कर लीजिए। लहसुन है आपके पास, लहसुन का पेस्ट या लहसुन का पाउडर किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें प्याज डालेंगे, जैसे ही वो ग्रेवी की फॉर्म में आने लगे आप इसके अंदर मसाला जात भी ऐड कर लें। ये प्याज आप आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करने लगेंगे तो इसके अंदर नमक, लाल मिर्च के फ्लेक्स और ज़ीरा और सूखा धनिया डालेंगे। आँच मीडियम से लो पर रखनी है और जब ये यकजान से होने लगेंगे, तेल छूटने लगेगा मसाला जात ऐड करने के बाद, इसमें बैंगन को डाल देंगे ताकि किसी किस्म की अगर कोई कसर बाकी रह गई है कुकिंग के दौरान तो वो इसमें इस प्रोसीजर में निकल जाए। बेसिकली बैंगन की सारी कुकिंग उसको अवन के अंदर या डायरेक्ट जब आप आँच पर पका रहे होंगे उस वक्त हो जाती है। हल्का सा लेमन डाला, फिर इसके अंदर मैंने बैंगन ऐड कर दिए ताकि कोई हल्की फुल्की कसर रह गई है तो वो ख़त्म हो जाए। सब्ज़ी अगर कच्ची रह जाए अगर सब्ज़ी तो उससे अक्सर पेट में दर्द हो जाता है। बिल्कुल लास्ट स्टेज में टमाटर ऐड करेंगे ताकि वो प्रेजेंटेशन में अच्छे खड़े खड़े नज़र आए और बहुत ज़्यादा इनको गलाना नहीं है। इसके बाद आप इसमें सब्ज़ धनिया डालें और बिल्कुल जब आप सर्व करने लगते हैं उस टाइम इसके ऊपर अनार का अर्क या अनार का मोलेसिस मिलता है वो आप डालिए, ये ऑप्शनल है। इसके बगैर भी आप रोटी के साथ भी खाएं। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।